हेलो गाइस, ओपी फिक्स पर आपका स्वागत है। मैथ का सेशन लेकर मैं फिर से आया हूँ। आज आप लोगों को दो घात समीकरण बताएंगे। दो घात समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ पर x की सबसे ज्यादा बार पावर 2 है, इसीलिए दो घात समीकरण है। अगर इस समीकरण में कहीं x की पावर 3 होती तो 3 घात समीकरण कहलाता। जितनी अधिकतम घात होगी वही घात समीकरण होगा। इसके दो मूल होते हैं, एक है अल्फा और एक है बीटा। और अगर x की वैल्यू फाइंड करनी हो आपको, x का मान निकालने के लिए x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2 है। एक्स की वैल्यू इसी से फाइन होगी और इसी को कहते हैं श्रीधरा चार्ज। इसमें से एक मूल जो अल्फा है, अल्फा का मान है माइनस बी। यहाँ पर प्लस माइनस है, एक साइन लेंगे प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a और आपका बीटा हो जाएगा माइनस बी माइनस, एक बार प्लस साइन लिए थे एक बार माइनस, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। अब देखो, अगर आपसे पूछता है दो घात समीकरण हम कैसे बनाएंगे, दो घात समीकरण बनाने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत पूछता है ये, दो घात समीकरण कैसे बनाएंगे। दो घात समीकरण बनाने का हम कई रूल बता दे रहे हैं। x माइनस अल्फा x माइनस बीटा बराबर 0, ये पहला रूल हो गया। दूसरा है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ये दूसरा, ये दो घात समीकरण ही बनेगा। कहने का मतलब ये है x माइनस पहला मूल गुड़े एक्स माइनस बीटा दूसरा मूल बराबर 0 के, और दो घात समीकरण इससे भी बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग फल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणन फल बराबर 0। अब मूलों का योग फल और गुणन फल हमको नहीं पता है, तो हम मूलों का योग फल और गुणन फल कैसे ज्ञात करेंगे। मान लीजिए कि मूलों का योग फल होगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू अल्फा का मान है माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, और ये है यहाँ पर देखिए बीटा प्लस है, प्लस लगा दो, बीटा का मान है माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ये देखिए माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये और ये समान है, ये हो जाएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरे का बटा 2a। ये देखो प्लस में माइनस में कैंसिल, ए बी और बी माइनस का 2b अपॉन 2a, 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा माइनस बी बाई ए। कहने का मतलब ये हमारा मूलों का योगफल हमारा होगा माइनस बी बाई ए। अब आपको क्वेश्चन पूछेगा सीधे मूलों का योगफल क्या होगा, वैसे दो घात समीकरण था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो मूलों का योगफल पूछेगा माइनस बी बाई ए। मान लीजिए कोई समीकरण दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, इसमें से मूलों का योगफल पूछता है, तो मूलों का योगफल हो जाएगा माइनस बी। तो माइनस बी, तो कहने का मतलब ये जो बी है माइनस 5 है अपॉन ए, ए का मान 3 है, आ जाएगा 5/3 मूलों का योगफल डायरेक्ट यहाँ इस फार्मूले से, और फार्मूला कैसे डेरिवेट हुआ हमने आपको बता दिया है। अब पूछता है दूसरा मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल अल्फा और बीटा का मान हमको पता है, अल्फा का मान है माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 गुणे बीटा, बीटा का मान है माइनस बी माइनस अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। फिर देखो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो हो जाएगा माइनस बी का होल वर्ग माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का होल वर्ग अपॉन दो दूनी चार ए का स्क्वायर। ये देखो हो जाएगा बी का स्क्वायर माइनस रूट और वर्ग दोनों खत्म, बचेगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, बचा फोर ए का स्क्वायर, फोर से फोर कैंसिल, ए से ए कैंसिल, बचा सी बाई ए। कहने का मतलब यह है कि मूलों का गुणनफल जो होगा वो होगा सी बाई ए और मूलों का योगफल होगा माइनस डी बाई ए। इस दो मूलों का गुणनफल और योग का आसानी से ज्ञात होगा। और जो दो घात समीकरण हम बताए थे आपको एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा बराबर शून्य, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर शून्य, तो अल्फा प्लस बीटा इन मूलों का योगफल है बोल सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर है माइनस डी बाई ए माइनस माइनस प्लस डी बाई ए एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है सी बाई ए, हम बोल सकते हैं सी बाई ए। यहाँ से भी हमारा फाइव हो जाएगा। दो घात समीकरण, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। थैंक यू।